हाय हेलो, फातिमा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू। कैसा चल रहा है एक्साइटमेंट? थिएटर रिलीज हो रही है। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। फाइनली थिएटर्स खुल गए या दिवाली के समय, दिवाली का डेट मिल गया है जिसको एग्जैक्टली। सब लोग चेज करते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में आती है, तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो ओटीटी को कहीं ना कहीं मिस करोगे आप, क्योंकि ओटीटी जब आती है फिल्म तो घर घर चली जाती है इमीडिएटली, बट अभी थिएटर है एंड 50% दो है ऑक्यूपेंसी। ना, एक ओटीटी भी है और एक थिएटर भी है, या राइट राइट। तो कैसा लग रहा है दोनों। लूडो का जब अब बस रिलीज होने वाली, उसके लिए कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। दादा के साथ फिल्म की है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क, और राज के साथ काम किया, सो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं अभी क्या होता है। और सूरज पे मंगल भारी नाम इतना इंटरेस्टिंग है, और कॉमिक कॉमिक टाइमिंग कैसी है आपकी फातिमा, मतलब कैसा लगा आपको ये वो कॉमेडी? तो आप ही बताओगे जब भी आप फिल्म देखोगे तो आपको ही आप ही बताओगे कि ठीक लगी कि नहीं सही। बट करने में बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद थिएटर्स खुल रहे हैं, एंड इट्स यू नो अ न्यू लीज, अ न्यू लाइफ समझ लो, क्योंकि अब लोग बाहर आना शुरू कर लिए, काम कर रहे हैं, एंड थिएटर्स एक एस्केप होता है, सिनेमा एक एस्केप होता है बहुत लोगों के लिए, अपनी जिंदगी से दूर या अपनी जिंदगी को इग्नोर करने के लिए वो लोग थिएटर्स जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, फिल्में देखते हैं दूसरी जिंदगी जीने के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वापस थिएटर्स खुल रहे हैं और सूरज पे मंगल आ रही है, क्योंकि वो वैसी फिल्म है जो आपको अपनी फैमिली के साथ देखनी चाहिए, वो उसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि कॉमेडी फिल्म है, दोस्तों के साथ हंसोगे तो अच्छा लगेगा, और एज एन इवेंट यू नो दिवाली में आप करने के लिए कुछ तो होगा। एग्जैक्टली। तो कौन सा रोल ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि कॉमेडी करना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि आपको किसी को हंसाना है, तो जी उसको करने करते टाइम कुछ टफ लगता है, कॉमिक एक्शन करते टाइम कुछ टफ लगता है? फॉर्चुनेटली स्क्रिप्ट ही अगर सही हो और स्क्रिप्ट में ही सब चीज तरीके से लिखा हो तो काफी काम आसान हो जाता है। बाकी तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सीन करते समय तो बड़ा मजा आया, बहुत हंसे सब लोग, जब आप स्क्रीन में देखते तो कोई हंसी नहीं रहा, तो ये सब चीजें भी होती है, तो ऑनेस्टली ये तो टाइम ही बताएगा। बहुत टाइम के बाद फातिमा आपको देख रहे हैं और मजा आ गया, बैक टू बैक फिल्म्स आ रही हैं आपकी, एंड दैट टू डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगता है जब इतना एक साथ शूटिंग करने को साइमल्टेनियसली चल रहा है, पर कैसे शूट्स मैनेज हो रहे थे दोनों फिल्म्स के, बिकॉज रिलीजिंग डेट लूडो तो काफी पहले हुआ था और सूरज पे मंगल लॉकडाउन की जस्ट पहले खत्म हुआ था, तो अच्छा लगता है, अलग अलग किरदार निभाने में मजा आता है, अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करने मिलते हैं, और फॉर्चुनेटली अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है। राज कितना अच्छा एक्टर है, और मनोज सर के तो मतलब उनका तो एक एक ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा, एक ऐसी फिल्म नहीं होगी जहां पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, मतलब आई नो। गंदी से गंदी फिल्म में भी सबसे बेस्ट वही निकलता तो वो उनका उनके क्राफ्ट की इतनी मतलब ये है कि ही इज जस्ट टू गुड, एंड एज अ पर्सन आल्सो ही इज अमेजिंग। तो मुझे लगता है कि इन फिल्मों की वजह से ना मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, मुझे दादा बहुत पसंद है, मुझे उनका परिवार, तानी के बच्चे, मुझे अभिषेक, मनोज सर, दिलजीत, ये सब लोग बहुत पसंद है, तो आई एम ग्लैड कि फिल्मों के जरिए से आपको अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो फातिमा, क्या रीजन है कि फिल्म्स आप कम चूज करती हैं, या आप स्क्रिप्ट कैसे चूज करती हैं, मतलब आपको टाइम लगा बहुत, देर देर से फिल्म्स करी आपने, हमें बहुत मन था आपको बहुत सारी फिल्म्स में देखने का, तो उसके पीछे क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है, लूडो को टाइम लग गया आने में, वरना साथ साथ ही होनी थी, एक शॉर्ट फिल्म भी की थी उसको भी समय लग गया, तो नसीब ही खराब कर तो रही हूँ काम बट आ रहा लेट है, क्या करूँ, बट क्या बेस होता है सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट, कैसे करते हो आप, क्या कुछ मेन? नहीं, इंस्टिंक्ट, मतलब जब जैसे जब दादा ने ऑफर की फिल्म को, स्क्रिप्ट तो नहीं थी पर दादा के साथ काम करना था तो हाँ बोला, जब भी अभिषेक ने फिल्म ऑफर की, स्क्रिप्ट अच्छी थी और कास्ट अच्छा था और डायरेक्टर भी अच्छे, तो हाँ बोला, तो वैसा है, ठग्स भी वही था, मतलब पता था कि बड़े बड़े लोग हैं, तो कोई रीजन नहीं, मैंने कोई ये नहीं किया है कि मैं ऐसी स्क्रिप्ट कहाँ बोलूंगी या यही रीजन होगा, ऐसा कुछ नहीं तानिया के साथ सीन्स आपके लूडो में ऑफ कोर्स नहीं होंगे आई गेस, तो है। आपका मिलना हुआ सेट पे, या क्योंकि आपका दंगल के बाद वापस थोड़े दिन पहले मिली उससे,
अच्छा, बट ऐसे सेट पे कभी हम लोगों ने, मतलब हम दोबारा देखे कि आपको दंगल के बाद साथ में, तो एक साथ कोई भी सीन नहीं है आपका फिल्म का? किसमें? लूडो में? वो तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आधी देख चुकी हूँ। आधी देख ली आपने? ये लो, यस। पूरी नहीं देखी? नहीं पूरी, जब रिव्यू करूंगी तब देखूंगी। वो फिर अरे कंटिन्यूशन हो जाएगा एक। तो अभी फातिमा, जब लॉकडाउन से पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिस पे आप काम कर रहे थे और जो सडनली ये पैनडेमिक आ गया और चीजें रुक गई या आगे नहीं बढ़ पाई, ऐसे कुछ हैं प्रोजेक्ट? नहीं, प्रोजेक्ट्स थे जो पहले शुरू होने वाले थे, अब वो शुरू हो रहे हैं, अगले साल शुरू होंगे, तो बस यही था। बट अदरवाइज तो सब, पूरी दुनिया ही थम गई तो हम क्या चीज है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं इसके बाद, लूडो और सूरज पे अंगल भारी के बाद, और किस तरीके का जॉनर अब लेके आप आ रहे हो? तभी, अभी जब वो लोग बात करेंगे तभी कर पाऊंगी, तब तक तो तो अभी कोई नहीं कर शूटिंग पाऊंगी। इस दौरान नहीं शुरू हो रही है इस टाइम पे अभी तक? अभी होगी जल्दी, बट अभी तक शुरू नहीं हुई। जब इतने बड़े बड़े मल्टी स्टारर फिल्म आप करते हो तो नर्वसनेस होती है जब आप सेट पे होते हो साथ में, जैसा कि दिलजीत हैं, मनोज हैं, राजकुमार राव हैं, तो कुछ नर्वसनेस होती है, कुछ सीखने को मिलता है? जब भी सूरज पे मंगल पारी की पहली रीडिंग हो रही थी तभी टेबल रीड था, तो टेबल रीड में आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं डर गई कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स, मनोज पावा, सीमा पावा, अनु कपूर जी, मनोज बाजपेयी, दिलजीत, सुप्रिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्टर है, सबके सब अच्छे एक्टर्स है। तो मुझे लगा कि मुझे तो सॉलिड जज कर लेंगे, सोचिए पता नहीं एक दो फिल्म की अच्छा ही नहीं हुई, तो मैं अपना परफॉर्मेंस शुरू कर रही हूँ। और सब लोग सोचे ये एक्टिंग क्यों कर रही है, तो सिर्फ रीड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स नर्वसनेस थी, बट वो पहली मीटिंग में ही खत्म हो गई, क्योंकि मनोज जी ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, अभिषेक ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, तो वो बिल्कुल भी कुछ इशू नहीं हुआ। सबने इस पैनडेमिक में कुछ ना कुछ क्रिएटिव सीखा, कुछ ऐसे हिडन टैलेंट्स निकल के आए हैं बाहर। फातिमा, आपका कुछ ऐसा टैलेंट या कुछ क्रिएटिविटी आपने करी कुछ? मैंने डीजेइंग सीखी सूरज पे मंगल भारी के, अच्छा, हाँ, जैसे कैरेक्टर के जैसे। लिए। उसमें बस कैरेक्टर में लड़की डीजे भी है, तो वो मैं करना था, तो वो भी थोड़ा सीखा। क्या बात है, अरे वाह। तो अब किस तरीके के रोल्स, किस तरीके का आपका कोई विश लिस्ट है या कोई बकेट लिस्ट है आपकी, जो आपको है कि ये करना है और स्क्रिप्ट आते ही आप जस्ट हाँ बोल दोगे? ऐसा करना तो सब कुछ है, करना तो हर किस्म का रोल है, हर किस्म के जॉनर्स है, अब डिपेंड करता है कि कब आएंगे। तो और कोई ऐसा को एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं, या कोई ऐसे और डायरेक्टर्स हैं जो आपके ड्रीम? बहुत सारे लिस्ट, वो लिस्ट तो नेवर एंडिंग है, शाहरुख खान, फिर रणबीर, रणवीर, वापस राज, वापस AK, वापस सानिया, ये तो सिद्धांत भी, he's an amazing actor, with him, बट ऐसे करते रह जाना बहुत लोग हैं। थग्स में जब बच्चन साहब आपके सामने थे तो कैसा फील आ रहा था उनके सामने एक्टिंग करना, और इतने बड़े मान आया थे वो, तब उस टाइम कैसा कैसा फील आ रहा था आपको? बहुत ही नॉर्मल अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि वो बड़े एक्टर्स की ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपको इंटिमिडेट नहीं करवाते, वो आपको इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल कराने की कोशिश करते हैं, वो आपसे बात करेंगे, वो सीन्स करेंगे, तो कभी उन्होंने ऐसा अनकंफर्टेबल या इंटिमिडेटिंग फील नहीं कराया। सो यही विद इवन आमिर सर, इवन विद मनोज सर, ऑल ऑफ दीस एक्टर्स आर वेरी गुड एक्टर्स एंड अपनी अपनी जगह स्टार्स है, तो वही ब्यूटी है इन लोगों की। आई थिंक ये लोग यहाँ पे भी इसलिए पहुंचे क्योंकि इतने लोगों के साथ काम किया है और को एक्टर्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं, तो आई थिंक सूरज पे मंगल भारी में क्या एग्जैक्ट रोल है, थोड़ा सा आप बताना चाहोगे? एक लड़की है जो महाराष्ट्र फैमिली से बिलोंग करती है, काफी सीधी सादी सिंपल घरेलू भारतीय नारी लड़की है, एंड उसका भाई है जो वेडिंग डिटेक्टिव है, लोगों की शादियां तोड़ता है, एंड वहां पे वो लड़की को किसी से दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है, और अभी भाई को पता चलता है, तो ये देखते क्या होता है, और साथ में लड़की को छुपा भी रही है कि उसकी दूसरी लाइफ है, जो अपने भाई को नहीं पता, जो सबकी शादियां तोड़ता रहता है, जो जासूसी करता रहता है, उसको अपनी बहन के बारे में ही नहीं पता। फातिमा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, दिवाली आ रही है और इस टाइम न्यू नॉर्मल है, सब पिछले जैसा कुछ भी नहीं है, क्या कुछ करने वाले हो, क्या प्लान्स हो रहे हैं, और दो मैं दो अपनी रिलीज फिल्म आ देखने रही है? वाली हूँ, हाँ थिएटर जाने वाली हूँ।
ओके, और ऐसा कुछ प्लान्स नहीं है फैमिली के साथ कैसे गेट टुगेदर करना है, क्या करना है? फैमिली को लेके थिएटर चली जाऊंगी। दो दो फिल्म आनी ऑफ कोर्स, इससे बड़ी दिवाली क्या हो सकती है, और क्या भाई। है ना? तो जल्दी मिलेंगे फातिमा फिर से और एक तीसरी फिल्म के साथ जो कि जल्दी जल्दी रिलीज हो जाए। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली आपको भी, एंड प्लीज स्टे सेफ, आराम से रहिए, टेक केयर, या बाय, थैंक यू, बाय बाय। बाय।